हर कोई चाहता है कि वो नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार मुल्क का वजीर आजम देखे। भारतीय जनता पार्टी को आज जम्मू कश्मीर के खसूसन हर नागरिक के दिल में एक जगह दी है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध हम सब ने मिलकर जो है इस मुल्क को आगे खुशहाली के रास्ते पे ले जाना है। कितनी सारी वेलफेयर स्कीम्स है जो हम देखेंगे कि हम बॉर्डर के रहने वाले दूर दराज इलाके के लोगों तक उसका फायदा पहुंचा, चाहे वो हमारा गरीब हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, हर स्कीम का फायदा हर आम आदमी तक पहुंचा। इसी ने भारतीय जनता पार्टी को आज जम्मू कश्मीर के खसूसन हर नागरिक के दिल में एक जगह दी है और हर कोई चाहता है कि वो नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार मुल्क का वजीर आजम देखे और जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार देखे। मैं एक बार फिर दिल की अमीर गहराइयों से अपने तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे पुंछ में इस्तकबाल किया और उनसे ये वादा करती हूँ कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, उनके साथ मिलके हम जमात को भाजपा को मजबूत करेंगे और जो भी सियासी जमाते हैं जो सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए लोगों को मजहब के नाम पे वर्गलाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, सिख हिंदू करते हैं और खास तौर पर जम्मू कश्मीर में अब पहाड़ी गुजर करने की कोशिश करते हैं, हम उन ऐसे तत्वों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम जो भाजपा के लोग हैं, हमारा ये है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध हम सब ने मिलकर जो है इस मुल्क को आगे खुशहाली के रास्ते पे ले जाना है और साथ साथ खसूसन रजौरी पुंछ और बाकी इलाकों में जो गुजर पहाड़ी भाई हैं, हमने मिलकर अपने मुल्क का झंडा उठा के कामयाबी से मुल्क को आगे बढ़ते हुए देखना है और खासतौर पर जम्मू कश्मीर को नया विकसित जम्मू कश्मीर देखना है।